अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद आंटी अंबर। तो आज हम बहुत यम्मी सी रेसिपी बनाने वाले हैं, गार्लिक टोस्ट विद चीज। तो चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले एक प्लेन ब्रेड ले लें। उसके अलावा बटर चाहिए हमें, जितने भी स्लाइस बनाने होंगे। ये होममेड बटर लिया मैंने, अनसॉल्टेड बटर है। फाइनली चॉप गार्लिक चाहिए, या आप गार्लिक पाउडर यूज कर लें। ऑरिगैनो पाउडर चाहिए हमें, 2 पिंच लिए। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून लिए, और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मेरा अनसॉल्टेड बटर है। अगर आपका सॉल्टेड बटर हो तो आप इसको स्किप कर दें नमक को। इसके अलावा हमें चीज़ के स्लाइसेस चंद चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। एक बॉल में बटर शिफ्ट कर देंगे। ये अभी मेरा बटर मैंने फ्रिज से निकाला है, होममेड बटर है, तो थोड़ा सा हार्ड है, अभी गर्मी की वजह से थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा इसको मिक्स करते करते ही। तो जितने भी स्लाइस बनाने हैं हमने, उस हिसाब से चीज़ ले लेंगे। 1 टीस्पून बीच में गार्लिक डाल देंगे इसमें। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ गार्लिक होना चाहिए, बल्कि पिसा हुआ भी नहीं, इसको बारीक चॉप करना चाहिए। और ये मैंने ऑरिगैनो डाल दिया थोड़ा सा, और मेरा अनसॉल्टेड बटर था इसलिए मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपका सॉल्टेड बटर हो तो इसको स्किप कर दें। और ब्लैक पेपर मैंने 1/4 टीस्पून लिया, इसको भी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ब्लैक पेपर को देख लें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलें, ये मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है बटर को। और अब ब्रेड के जो पीसीज हैं इनके, इन पे हम बिल्कुल थिन सी लेयर लगाएंगे बटर की, दोनों साइड पे लगाएंगे, लेकिन बहुत पतली सी लेयर लगानी है हमने। तो ये दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे, और इसी तरह से सभी स्लाइसेस पे हम बटर लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो चलें जी, मैंने सब पे लगा के रख ली है, अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक फ्राइंग पैन रखा है, फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, क्योंकि स्लो फ्लेम पे ही अच्छा बनेगा। इसको एक तरफ से सेक लें ये, तो और इसकी साइड पलट देंगे। और जो ही हम साइड अब पलटेंगे दोबारा से, तो इसके ऊपर हम स्लाइस चीज रख देंगे। ये चेदर चीज लिया है मैंने, चेदर चीज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो इसलिए ये एक बेहतरीन आइडिया है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। बहुत से लोगों ने मुझे फरमाइश की थी कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या टिफ़न के लिए कोई रेसिपी बताएं, तो ये उनके लिए बहुत छोटी सी रेसिपी लेके आई हूँ कि जिन मदर्स के बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो झटपट से बना के बच्चों को टिफ़न में दे दें, या इनके ब्रेकफास्ट में दे दें। चीज़ जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, अदरवाइज सिंपल गार्लिक ब्रेड भी ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, ब्रेकफास्ट में आप इसको ले सकते हैं। तो चलें जी, ये अच्छे से मैंने सब स्लाइस बना लिए हैं, अब ये बिल्कुल रेडी है, इनको मैंने कट कर लिया है। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेड निशान के नीचे जो घंटी का बटन है उसे दबाना ना भूलें, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएं फ्री में। तो चलें, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।